मेरिट्स दे विच सिर्फ ओही अप्लाई कर सकते हैं जिन्हां ने सिलेक्टेड फील्ड्स दे विच अपनी ग्रेजुएशन या डिप्लोमा किया वा, बट लोटरी वीजा दे विच सिर्फ ग्रेजुएशन या डिप्लोमा चाहिए, चाहे तुसी बीबीए बीकॉम बीए कुछ भी किए। नवंबर दे विच अनएक्सपेक्टेड आ रहा है एमए अगले साल, बहुत ज्यादा चांसिस ने कि यूएसए भी अपना लोटरी वीजा कट सकता वा, तो मेक श्योर तुसी आईएलटीएस प्लीज अपनी करके रखो, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सारे रेडी करके रखो। जिहड़ी हुण मैं फील्ड्स बोलूंगा वह सारियां देख लियो कि है ना, और पीडीएफ मैं अपने वट्सएप ग्रुप दे विच पाई हुई है। तो मैं हाँ ये सब तो बड़ी वधिया गल पता की है, तुसीं आपके डिपेंडेंट्स नूं वाइफ या अपने बच्चों लैके जा सकते हो, 2 साल का तुहानूं वीजा वा, एंड उत्थे जाके पीआर की फाइल भी अपलाई कर सकते हो। बस इन्हें हजे तक वर्क एंड होलीडे वीजा दे विच अपलाई नहीं किया है, छेती अपलाई कर लो, फीस की दिक्कत आ रही है फीस भर देंगे, ईमे अकाउंट की दिक्कत आ रही है ईमे अकाउंट बना देंगे, बट मेक श्योर अपलाई करो बिकॉज सिर्फ 9 डेज आर लैफ, सो मेक श्योर डू इट फास्ट, छेती अपलाई कराओ, एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कॉल कर लो नंबर। वेलकम बैक टू चैनल गाइज, ओपनिंग बैल, होप कर दूँ सारे बढ़िया होवोंगे। सब तो पहले तो चैनल में जाके सबसक्राइब कर लो, हूँ ही छेती छेती कर लिया, तो अपने दोस्त मित्र को भी शेयर कर दो, बिकॉज हुण मेट्स वीजा आ रहा वा नवंबर के, जिहदी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपां सारा कुछ एग्जैक्ट पता लग गया। तो इस वीडियो में अज पूरा देख लियो, जे बाकी वीडियो नहीं देखी है इस वीडियो में प्लीज़ देख लियो, और ऐना पता की है अद्धी वीडियो देख के फिर तुम मैं फोन ला लें पर कहने आ नहीं दसिया, आ नहीं दसिया, या ये गलत दस रहे हो या कमेंट कर दो, ठीक है जी। तो दूजी गल, मैं वट्सएप ग्रुप बनाया वा, उस अपनी इनफोरमेशन डालता रहना वा, बाकी अपने कोई भी जो एक्सपीरियंस है कोई भी डाउट हो क्लीयर हो जाते हैं, तो तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लो, डिस्क्रिप्शन के लिंक हैगा वा। तो अज की आप वीडियो शुरू करते हैं। चलो पहले तो गल यह है कि मेट्स जोड़ा प्रोग्राम आस्ट्रेलिया वालों नवंबर के आ रहा वा, ठीक है जी, वो लेट 2024 लिखा सीगा, तो होपफुली नवंबर के फस्ट वीक या विदिन फस्ट 10 डेज शुरू हो जूगा। हुण कहिंदे आ जी शुरू होने तो बाद की क्राइटेरिया, तो पहली गल यह सुन लो कि 3000 बंदा चकना, ठीक है, तो बंदे वो चकने ने जिन्हों के आयल्स के 6 बैंडस होन, नोट लैस दैन 5, किसी भी मोड्यूल 5 तो घट ना हो और मिनीम 6 बैंडस हो, इस करके प्लीज़ आपकी आयल्स कर लो। मैं तुम्हें पहला भी वीडियोज़ के काफ़ी कहा कि आयल्स कर लो, इनकेस ये नहीं नाम आता तो अगे नाम आ सकता है ना, तो किसी ने मनी नहीं है तो प्लीज़ हूँ आयल्स कर लो, ठीक है, आयल्स 1-2 महीने ला लो तो अपना कर लो। तीजी गल, ये कोई स्पोंसरशिप कोई इनविटेशन किसी तो कुछ रिक्वायरमेंट नहीं हैगी आस्ट्रेलियन बेस्ड बंदे तो, समझ गए, आस्ट्रेलिया की थोड़ी लॉटरी निकल आई एक तरह की उही स्पोंसरशिप आ, तो किसी होर बंदे तो कुछ अलाउड नहीं है, जेकर किसी का कोई एजेंट थोड़ा कहना मैं कर दूँ पक्का गरंटी वीजा ये, तो कोई गलों पर विश्वास करने की लड़ नहीं हैगी, एक बार मैंने कॉल कर लियो मैं थोड़ी सारी हैल्प करूँगा। चलो हम उस तो बाद अपन थोड़ी जी जी फील्ड्स ने है ना कि बंदे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ग्रैजुएशन तो बहुत लोगों ने की है, किसी ने बीकॉम की है, किसी ने बीबीए की है, बीए की है ना, बट ये फील्ड्स जड़िया ने सारिया डिस्कस हो गई ने, फील्ड्स बहुत लाइक लिमिटेड पाई ने, फील्ड्स आप डिस्कस करते हैं। पहली फील्ड तो हैगी रिन्यूएबल एनर्जी, जिन्हें इस फील्ड के ग्रैजुएशन या डिप्लोमा कुछ भी किया एलिजिबल, जिहड़ी हुण मैं फील्ड्स बोलूँगा वो सारिया देख लियो कि है ना, और पीडीएफ मैं अपने वट्सएप ग्रुप के पाई हुई है, तो मेक श्योर तुसीं ज्वाइन कर लियो। माइनिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग किसी ने भी की है कोई भी अपने कोर्स के, इनफॉर्मेशन कम्यूनीकेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस, फाइनैशियल टैक, एग्रीकल्चर टैक, जी भी आ मैं फील्ड्स का नाम लिता वा, ये जिन्होंने फील्ड के अपनी ग्रैजुएशन या डिप्लोमा किया किसी सर्टिफाइड यूनीवर्सिटी, मतलब इंडियन रिप्रजेंटेटिव तो वेरीफाइड होनी चाहिए है कि हाँ बई इंडियन यूनीवर्सिटी वेरीफाइड आ, और इन्होंने फील्ड के किसी ने अपनी ग्रैजुएशन या डिप्लोमा की आ, तो उही बंदे सिर्फ एलिजिबल ने मेट्स के अपलाई करने, ठीक है, जे इस तो अलावा किसी ने प्राइवेट के डम्मी के कुछ भी है ना घर बह के अपना किया वा डिप्लोमा किया है ना, या आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के वो एलिजिबल नहीं है बिकॉज वो क्रॉस वेरीफाई होगा, और जो क्रॉस वेरीफाई होया तो थोड़ी सीट जी कट्टी जाऊगी। दूजी गल हूँ अपनी दूजी नहीं, ये तो वैसे गल्ला तो बहुत हो गई, यदा भी बैलेट सिस्टम आ रहा वा, बैलेट सिस्टम मतलब की है, जिमें पिछली लॉटरी के अपनी $25 की फीस है, यदि भी फीस है जिहड़ी कि स्टार्टिंग दे विच लगूगी, बट यह नहीं पता हजे किन्नी क लगूगी, तो मेक श्योर तुसी चैनल नूं सबसक्राइब किया होना चाहिए वा, और वीडियो नूं लाइक करो, वध तों वध शेयर करो, ये जिहड़ी पूरी पीडीएफ फॉरमैट है ना, जो जो ये एलिजिबिलिटी है क्राइटेरिया वा वो सारा मैं अपने वट्सएप ग्रुप के पाया हुआ वा, तो मेक श्योर जाके तुसी उहनूं तुसी ज्वाइन कर लो, और होर कोई जानकारी चाहिए तो तुसी मैनूं कॉल कर सकते हो। एंड हाँ ये सब तो बड़ी वधिया गल पता की है, तुसी आपके डिपेंडेंट्स नूं वाइफ या अपने बच्चों लैके जा सकते हो, 2 साल का तुहानूं वीजा वा,
एंड उत्थे जाके पीआर की फाइल भी अपलाई कर सकते हो। बस ये प्लस पॉइंट्स ने, बट एक बार नाम आना चाहिए वा और 3000 बंदा चकना वा तो थोड़े चांसिस बहुत ज़्यादा ने नाम आने दे एंड बिकॉज अपने पंजाब दे विचों ही ज़्यादातर अपलाई करते हैं, तो जरूर अपलाई करो। नवंबर के पहले 10 दिन के विच आ जूगा, उदो कॉल कर लियो चाहे मैसेज कर दियो, मैं मैनू वट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर थोड़े आप जरूर अपलाई करावे कुछ मिनीमम चार्जिस से। हुण मिलते आप नैक्सट भाई, आ देख लो मेट्स मोबिलिटी अरेजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेसनल स्कीम, ठीक है। ये एलिजिबल कौन कौन आ, जिन्हें एज 30 है या 30 तो छोटी है, ठीक है, और उन्होंने किसी ने पिछले मेट्स के पार्टीसपेट ना किया हो। तीजी जी मेन चीज़ आ कि आइलैट्स के 6 चाहिए ने ओवरऑल ज, और 5 घट्टो घट सारे मोड्यूल होने चाहिए ने। चौथी चीज़ जिहड़ी की है जी ग्रेजुएशन आ, वह 2 साल के बीच की होनी चाहिए है, पिछले 2 सालों के ऐ ना हो 5 साल पहले की, 10 साल पहले की, और यदि जी इंस्ट मतलब अपन फील्ड्स ने वो डिस्कस की हुई ने वो है अपन, देख लो रिन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, फाइनैशियल एग्रीकल्चर। तो जिन्होंने भी इस फील्ड के अपनी ग्रैजुएशन या डिप्लोमा कुछ भी किया विदिन 2 ईयर्स तो वह अपलाई जरूर कर, क्योंकि थोड़े बहुत ज़्यादा चांसिज ने, मैं कहना 99% चांसिज ने कि थोड़ी लोटरी पक्की निकलूगी, ठीक है। तो ये कोई स्पॉन्सरशिप अपन रिक्वायर्ड नहीं है, इतने देख लो लिखा है साफ साफ। और सब तो वड्डी गल पता की है कि उत्थे जाके कोई थोड़ा रिस्ट्रिक्शनस नहीं है कि उही काम दे उही फील्ड के काम करना। देखो पढ़ लो इतने स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट वीजा होल्ड टू वर्क इन द नॉमिनेटिव फील्ड, तुसी किसी भी फील्ड के काम कर सकते हो एंड आफ्टरवर्ड तुसी पीआर लिए भी अपलाई कर सकते हो। मेट्स की जिहड़ियां एलिजिबिलिटियां क्राइटेरिया मैं सारा कुछ दस चुकिया, बट ये सिर्फ एक मतलब ला लो ट्विस्ट आ कि जिहड़ियां फील्ड्स ने वह तो पक्की ने कि यह फील्ड होनी चाहिए, ये फील्ड्स एड हो सकती है कि होर एड हो जाए घटती नहीं हैगी, ठीक है। तो मेक श्योर कि तुसी अपनी आयल्स जरूर कर लो, बिकॉज आयल्स तो बिना कितने भी नहीं जा सकते हूँ, इन्ना समझ लो आयल्स इन्नी कि ज़्यादा इंपोर्टेंट हो चुकी है अज्ज के टाइम दे विच कि जे कितने बाहर जाना वा तो आयल्स करनी पैंदी है, चाहे जो मर्जी कर लो, ठीक है। और आने वाले टाइम दे विच मैं लगता टूरिस्ट डे भी कितने अवेलेबल ना कर दें कि मतलब कंपलसरी ना कर दें कि आयल्स करो, है ना। तो तुसी प्लीज़ आयल्स कर लो क्योंकि होर ओपरचुनिटीज भी खुल सकती ने, जिम्मे कि हम ये अनएक्सपैक्टेड लोटरी आई है ना नवंबर के आ रही है, अपन एक्सपैक्टेशन नहीं सी कि पता अगले साल USA अपनी लोटरी वीज़ा कढ़ दे, समझ गए। तो प्लीज़ मेक श्योर तुसी आयल्स कर लो और बैटर रहोगे बिकॉज उसके लिए ओपरचुनिटीज़ होर खुल जाएगी। और वीडियो में बद तो बद शेयर कर दो अपने दोस्त मित्र को जेड़ा कि बाहर जाना चाहता या जेड़ा भी अपना लक अजमाना चाहता, ताकि की पता थोड़े हत्थों किसी का दाणा पानी लिखा हो। अपने सबसक्राइबर थोड़े जे मिक्सअप हो गए ने बिकॉज अद्धे मेरे काइट्स वगैरह वाले ने ते अद्धे जेडे आ वीज़ास वगैरह वाले ने, तो जेडे काइट्स लवर या मेरे लाइफस्टाइल लवर जेडे भी हैगे ने तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर दस्यो कि काइट वगैरह दे व्लॉग लई एक्साइटेड हैगे हो या नहीं हैगे, इस बार लैके आवां ना आवां या किस टाइप का कंटेंट है ना थोनू लैके आवां, पतंग दिखावां या कलियां डोरां देखणी नहीं है, दोनों इकट्ठी चीज़ां देखणियां ने, तो प्लीज़ जरूर कमेंट करो बिकॉज है ना इस चीज़ वाल भी मैं थोड़ा जहा फोकस कर रहा वा, तो उधरों बंदे मैसेज कर रहे कि काइट ब्लॉग लैके आओ काइट ब्लॉग लैके आओ, तो मैं थोड़ा जहा बिट कन्फ्यूज हो गया कि यार मैं काइट ब्लॉग कदों लैके आवा, है ना, बिकॉज मैं ये भी चीज़ पाई जा रहा यूट्यूब तो काइट ब्लॉग मैं कदों लैके आवा। तो प्लीज़ मेक श्योर कमेंट जरूर कर दौ, कमेंट नहीं करते तो यार मैं पता नहीं लगता है, जो कमेंट नहीं करना तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करके दस दो, बट दस्यो जरूर। मिलते नैक्सट ब्लॉग, स्टिल दैन बाय।